एमपी के राजगढ़ जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों पर नकेल कसने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मन कामना प्रसाद मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाही की जा रही। फरियादी रविंद्र सिंह उमठ निवासी बाराद्वारी ने थाना नरसिंहगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं तथा मेरे परिवार के लोग अपने गाँव देवली सांगा थाना छापी हेडा सोयाबीन कटवाने गए थे। पड़ोसी ने चोरी की घटना की जानकारी फरियादी को दी। फरियादी ने अपने घर के अंदर गोदरेज व पेटियों का ताला टूटा हुआ देखा व सारा सामान अस्त व्यस्त था। गोदरेज में रखे सोने व चांदी के नहीं मिले एवं नकदी रुपए कुल कीमत तकरीबन 8-9 लाख रुपए को कोई अज्ञात चोर लेकर चला गया। फरार आरोपी गब्बर व उसके साथियों की तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश हेतु इनाम उद्घोषणा हेतु पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा व आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और 5-6 अन्य चोरियाँ हुई थी, उसमें से ले लो हमारे थाना नरसिंहगढ़ स्टाफ ने प्रयास करके और अच्छी मजदूरी लगा के एक बड़ी चोरी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें करीब 9 लाख रुपए का सोने का सामान बरामद किया है, जिसमें 2 पाटली, 1 चूड़ी, 1 सोने का हार, कान की झुमकी, मंगलसूत्र, राखी, सोने का बाजू, बंद चांदी के काजे, वही करीब 9 लाख रुपए का 8,99,000 रुपये का सोने चांदी का संपत्ति जब्त की है, जिसमें शहर का गब्बर नाम का आरोपी है, जो कि बहुत से संपत्ति संबंधी आरोपियों में कई चोरी में दूर में लटका हुआ अच्छी मजदूरी लगा के, जिसके द्वारा पता चला कि करीब 2 लाख रुपए जुए में अभी हाल ही में हारा है। 2 लाख इसमें पूरी तरह से पुलिस द्वारा तलाश किया गया, नरसिंहगढ़ की आई साहब द्वारा उनकी टीम द्वारा, तो अभी गब्बर तो नहीं मिला, उसके परिवार की उसकी बहन और पत्नी तलाशी एक मशरूम का जब्त हुआ और गब्बर की तलाश की जा रही है। बड़ी जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि अन्य चोरियाँ भी उनका होंगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।